तो रोचक, आप तीनों की टीम बैठी हुई यहाँ पे, टेल अस समथिंग अबाउट द सॉन्ग, और आप तीनों किस तरह से एसोसिएटेड हैं? ये गाना है, सॉन्ग कॉल्ड अतरंगी यारी, और एक फिल्म है जो बहुत चर्चा में अभी, वजीर. वजीर 8 जनवरी को रिलीज़ हो रही है, और ये गाना उसके प्रमोशन के लिए हम कर रहे हैं. और जैसा ये गाना, ये दो मेरे अतरंगी यार हैं, गुरप्रीत एंड दीपक, एंड वी वर्क टुगेदर, वी जैम ऑन सॉन्ग्स. और ये दोनों बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत टैलेंटेडली लिखते हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं और लिरिक्स राइटर हैं. और इस गाने के लिरिक्स जो हैं, ये गुरप्रीत और दीपक ने लिखे हैं. सो इनफैक्ट जब ये गाना हमारे पास आया था, ये गाना बहुत पहले से बना हुआ था एक्चुअली. और वो कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो गाने गाने पे लिखा है सुनने वाले का, सुनने वाले सुनने का नाम वाले का. इज समथिंग दैट कैन बी सेड हियर. सो ये गाना हमने एक टीवीसी के लिए बनाया था बहुत पहले, लाइक 6 महीने पहले. एंड दिस अ कंपनी कॉल्ड फार आउट, जो आर्टिस्ट कोलेबोरेशन करती है और म्यूजिक सुपरविजन करते हैं. सो अनुराग फ्रॉम फार आउट रीच टू मी एंड ही सेड दैट ये अपॉर्चुनिटी आई है. एंड अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की फिल्म है, तो क्या ये गाना हम उसमें ट्राई करें देने के लिए. सो वी वर रियली एक्साइटेड, एंड आई कॉल्ड अप गुरप्रीत और दीपक, और हमने थोड़े लिरिक्स उसमें चेंज किए और सिचुएशन के हिसाब से बिठाए. एंड सो ये स्टोरी मेरे को बाद में पता लगी, बिकॉज विधु विनोद चोपड़ा जब मेरे को मिले, तो उन्होंने कहा कि मैंने कुछ 100 से 150 गाने सुने थे जब, और जब मैंने ये सुना तो आई आई इंस्टेंटली लाइक इट, और इट वॉज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस. देन ही ऑल्सो ही गॉट एक्साइटेड, एंड विधु विनोद चोपड़ा सर इज़ लाइक मेंटर टू ऑल ऑफ अस, बट अंदर से वो बहुत यंग एट हार्ट है. एंड ही लव्स टू गिव हिज क्रिएटिव इनपुट्स, एंड ही लव्स टू राइट, ही लव्स टू कंपोज. तो बीच में फिर हम दीपक और गुरप्रीत और मैंने और विदु सर ने इकट्ठे इस गाने को आगे बढ़ाया, इन टर्म्स ऑफ कॉम्पोजिशन, इन टर्म्स ऑफ लिरिक्स. एंड नाउ द स्टोरी इज कि बच्चन साहब और फरहान ने इसको गाया है, सो लेट बी आउट नाउ. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बच्चन साहब की आवाज़ बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, और साथ ही फरहान की भी आवाज़ बहुत आई डिफरेंट थिंक फरहान की आवाज़ तो हम सब जानते हैं, बच्चन साहब की आवाज़ भी हम सब जानते हैं, खैर हम तो बहुत छोटे थे तब से वो गा रहे हैं. एंड फरहान की एक अलग फॉलोइंग है, जो कि बहुत यूथफुल और बहुत इनर्जेटिक फॉलोइंग है आवाज़, और आवाज़ भी उनकी बिल्कुल वैसी है. बच्चन साहब की एक मेच्योर आवाज़ है, और बच्चन साहब जब गाते हैं तो जिसे कहते हैं समा रुक जाता है, वैसी वाली एक फीलिंग है. सो आई थिंक बच्चन साहब एक मेच्योरिटी लाते हैं गाने में, और फरहान एक यूथफुल अपील लाते हैं गाने में. तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत वंडरफुल है, एंड ऑल ऑफ अस थ्री आर रियली एक्साइटेड कि ऐसा कॉम्बिनेशन कभी पहले नहीं आया है. ये एक्चुअली आई थिंक द फिल्म ऑल्सो, आई मीन गाने का नाम अतरंगी यारी है, सो द फिल्म ऑल्सो आई थिंक डिपिक्ट, आई मीन बहुत ही अलग उनका एज ग्रुप है फरहान का और बच्चन साहब का, तो वैसा ही उनका आई थिंक रिलेशन भी, जैसा ट्रेलर में हमने देखा है वैसा ही वो है, और वैसे ही उनकी आवाज़ जो है वो गाने को ही बहुत अतरंगी बनाती है, उनकी बहुत मेच्योर आवाज़ जैसे आपने बताया, और फरहान के द यूथफुल, द स्पिरिट एंड एवरीथिंग, तो वो अतरंगी, गाना भी अतरंगी, यारी भी अतरंगी, सो एवरीथिंग इज एंड क्रेजी. आई थिंक हम लोग बैठे थे उस दिन जब बच्चन साहब गेव अस अ सरप्राइज विजिट. उन्होंने हम कुछ गाने सुनाए जो उन्होंने अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड किए हुए हैं, एंड मैं वो सुनकर इतना चौकन्ना रह गया कि ही वॉज सिंगिंग सेमी क्लासिकल. तो हम ये नहीं सोचते हैं कि इतना बड़ा सुपरस्टार है. एंड एज फरहान वाज जोकिंग दैट सुपरस्टार्स एंड गुड बॉयज डोंट गो टुगेदर. एंड स्पेशली इस सॉन्ग में खूबसूरती ये है कि दोनों की जो फ्रेंडशिप है वो एक बहुत मैच्योर्ड फ्रेंडशिप है, तो इनफैक्ट कॉम्पोजिशन वाइज, लिरिक्स वाइज आप बचकानी बात नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से गाना भी वो मतलब अपनी आवाज में गा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक क्योंकि रोचक ने वो धुन इतनी सेंसिटिविटी और इतनी मेलोडियस बनाई थी, और क्योंकि मतलब उस चीज को ध्यान में रखकर आई थिंक वो बहुत अच्छे से अडेप्ट हो गया, कि उनकी जो मच्योर दोस्ती है उसको हमने वियर्ड भी कहा है और साथ में फ्रेशनेस भी एक उसके साथ जोड़ दी है. सो आई थिंक ये एक ही रात में बना था गाना, और दूसरी रात में हम विदु सर के घर पे थे, एंड तीसरी रात में
बच्चन साहब रिकॉर्ड कर रहे थे, सो यू नो इट्स अ मैटर ऑफ थ्री नाइट्स। एंड गाना गाने के लिए या गाने की वजह से जितना उन्होंने बॉन्ड किया होगा, आई थिंक हम तीनों ने भी उतना ही बॉन्ड किया है उस उस गाने को। एंड आई थिंक बिटवीन अमंगस्ट ऑल ऑफ देम, अनुराग जो फार आउट के हेड हैं, आई थिंक उनका भी एक जो एयर ऑफ म्यूजिक था, बिकॉज उन्होंने जो ब्रीफ लिया और जो ब्रीफ मेरे को दिया, दैट वॉज बैंग ऑन। Otherwise, you know, this could have been a 151th song which was rejected. So, I think that was also, you know, a blessing for us. कुछ कहीं nervousness फील हुई जब ये था कि बच्चन साहब ही गाना गाएंगे, हाँ, फरहान गाएंगे, तो उनको अच्छा पसंद आएगा कि नहीं आएगा, you know, पूरी मेहनत लगाने। Of course, because I think उनका और ही ऐसा है, आप लोग जब इंटरव्यू भी उनकी लेते होंगे तो एक टाइम पे तो लगता होगा कि you know, let's भगवान का नाम लेते हैं पहले। आपने तो पूछना था, हम दोनों को बता रहे थे। सो नर्वसनेस ऑफ कोर्स हुई, बट वो इतने स्पोर्टिंगली लेते हैं चीज़ें और सजेशंस को लेते हैं। जैसे यू नो ही वांटेड कि जहाँ पर मुखड़ा ख़त्म हो रहा है और जहाँ पर कोरस आ रहा है वहाँ पे मुखड़े को रिपीट करूँ। सो वहाँ डिस्कशन हुआ 5-6 मिनट का, देन यू नो आई सेड दैट सर वो एक सरप्राइज एलिमेंट है जो कि कोरस जब ऊपर जा रहा है एक सरप्राइज एलिमेंट है जो इस गाने को अलग कर रहा है। अगर हम मुखड़ा रिपीट कर देंगे तो दैट इज़ एन एक्सपेक्टेड थिंग, जो आपने भी एक्सपेक्ट किया कि मैं, उन्होंने कहा कि मैं चाह रहा था वो वापस आए। सो ही टुक दैट, यू नो वो मेरे से नाराज़ भी हो सकते थे कि तू कौन है मेरे को बताने वाला, बट ही टुक दैट वेरी इन अ वेरी स्पोर्टिंग स्पिरिट, दैट उन्होंने सबको बोला या यू नो कि ये सही कह रहा है कि हाँ वो सरप्राइज एलिमेंट चला जाएगा तो गाने का मज़ा उतना शायद नहीं आएगा। ओके रोचक, आपकी फिल्मों में हमने देखा कि आयुष्मान खुराना के गाने होते हैं, तो उनका क्या टेक था या उनको कैसे लगा ये गाना व्हेन इट वाज कंपोज्ड एंड ही केम टू नो दैट बच्चन साहब एंड फरहान इज गोइंग टू सिंग फॉर इट? आई थिंक हमारा कल ही गाने का लॉन्च था, यहीं हूँ मैं जो आयुष्मान के साथ मैंने अभी किया था रिसेंटली, एंड वो गाना भी बहुत पसंद किया जा रहा है एंड 3-4 दिन में ही आई थिंक उसके कुछ 2 मिलियन व्यूज थे। सो आई मिस द लॉन्च यस्टरडे बिकॉज आई वॉज रिकॉर्डिंग फरहान, सो आयुष्मान वॉज यू नो रियली एक्साइटेड, उसने ट्वीट भी किया है। सो उसका सुबह मेरे को मैसेज भी आया दैट आई मिस्ड यू एट द लॉन्च, बट मैंने मैंशन किया कि तू फरहान के साथ रिकॉर्ड कर रहा है, सो आई एम येट टू स्पीक विद हिम, सो आई थिंक या ही विल बी मोर देन एक्साइटेड। अतरंगी यारी भी उसी जॉनर की होगी जिस तरह से लोग पानी दा रंग और मिट्टी दी खुशबू पसंद। आई थिंक हमारा म्यूजिक और लिरिक्स भी जहाँ तक हम कोलैबोरेट करते हैं सो वो एक पर्टिकुलर जॉनर के होते हैं जिसमें एक मिट्टी की खुशबू होती है। एक हमारा गाना भी आता है मिट्टी की खुशबू, सो हम आई थिंक इसलिए हम कम काम भी शायद कर रहे हैं कि वो मिट्टी की खुशबू जो है वो कहीं छूटे ना। सो मेरे को ये भी लगता है कि बिकॉज मैं एक कॉर्पोरेट जॉब में था पहले और मैं बहुत अच्छा कर रहा था वहाँ पर, सो मैं म्यूज़िक में जिस वजह से आया हूँ वो वजह कभी मुझे खोनी नहीं चाहिए। एंड वो वजह वही है कि मैं एक ऐसा म्यूज़िक बनाऊँ जो कि किसी के लिए वैल्यू क्रिएट करे या फिर एक जो क्लटर है उसको ब्रेक करे या फिर किसी दुखी को खुश करे या किसी के चेहरे पर स्माइल लाए। So that's my purpose when I, and even in this song, अगर आप देखेंगे कि वही एक purpose सामने आया है and ये गाना जब भी कोई सुनेगा तो उसका एक mood uplift होगा और and now the song is another level because you know the superstars are singing it. What do you say? Absolutely. और मुझे लगता है रोचक के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बात गाने से ज्यादा ये रही होगी कि किसको कौन से पोर्शंस देने, क्योंकि दोनों आवाजें अपने आप में बहुत डिस्टिंक्ट हैं, दोनों मंझी हुई हैं और दोनों मतलब साथ में चल रही हैं गाने को लेकर, तो आपके लिए मुश्किल तो होगा वो फैसला। मुश्किल अभी भी हम फैसला कर ही रहे हैं तो वो क्योंकि हमने एक लाइन यहाँ से वहाँ, एक लाइन अच्छा ये फरहान की रखते हैं, यहाँ पर इमोशन अच्छा आ रहा है ये बच्चन से रखते हैं वही नहीं, और लिखते समय भी इनफैक्ट गुरप्रीत और मेरे कई सारे डिस्कशंस और कई सारी बहस इसी बात पे होती थी कि ये जो वर्ड है ये जो शब्द है वो उनके स्टैचर से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ तो बट आई थिंक रोचक के अप्रूवल और यू नो विद अनुराग एंड वन मोर थिंग व्हिच आई थिंक अबाउट विधु सर, विधु विनोद चोपड़ा जी कि बाकी कहीं भी आप गाना किसी को सुनाओ, किसी को बताओ, किसी या कहीं से आइडिया लो, तो वहाँ कई बार बात होती है कि मासी नहीं है गाना, यू नो आम जनता को समझ नहीं आएगा, बट कमर्शियल नहीं है, कमर्शियल नहीं है, बट विधु सर ने आई थिंक दीपक एक भी बार
एक भी बार ये वर्ड्स नहीं यूज़ किए. द ओनली थिंग वॉज कि ये यारी है और ये ऐसी आ रही है कि इसमें हम जान दे देंगे. ही ओनली टॉक्ड अबाउट द सोल ऑफ द सॉन्ग. नथिंग एल्स. मतलब हम गाने के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म करें, जैम सेशन करें इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा लिरिक्स वाइज, कंपोजिशन वाइज. वो हमें खाने के लिए बोल रहे हैं कि पहले आप खाना खा लो, फिर गाना बनाते हैं आराम से. तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी कि आप प्रेशर इतना कम कर देते हैं वो एटमॉस्फेयर लाने के लिए जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, दैट लोग अपने आप वो काम करने लगेंगे जो आप चाहते हैं क्योंकि आप जी रहे हैं. एंड आई थिंक ही इज़ अ गाय, बिकॉज़ वी आर स्पीकिंग विद हिम, वी आर स्पीकिंग ऑफ हिम, ही इज़ अ गाय जो आपकी इतनी तारीफ करते हैं आपको लगता है बस आप ही हो यार और फिर आप कम काम करते हो, यू नो, दैट्स गुड. तो कहीं ना कहीं जब ये गाना अब लॉन्च करते हैं, अभी होने वाला है ना. हाँ अभी ये आई थिंक 18 या 20 को लॉन्च होगा. पुराने दोस्ती के गाने तो उनको भूल जाएंगे. ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए. आई थिंक ये गाना अतरंगी है. सो दैट्स द डेफिनेशन. जो दोस्ती पे गाने अभी आए हैं, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, यारों ये दोस्ती है, यू नो, केके का एक सॉन्ग था बहुत पॉपुलर था. सो दोस्ती के गाने कभी भी आए वो कभी भी पुराने नहीं लगते. वो कभी भी यू नो, बिकॉज दोस्त एक इतनी प्यारी चीज़ है कि उससे कभी आप बोर नहीं हो सकते. एंड ये जो गाना है स्पेशली, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अतरंगी है, बिकॉज थोड़ा सा मैड है कह सकते हैं. और वैसे भी आई थिंक हमारा हमारा एम यही है कि पुरानी चीज़ों को मिटा कर जगह नहीं बनानी है या फिर पहचान बनानी है, उनके साथ लोग हमें भी याद करें. I mean, that is what we would want. जैसा कि आपने अभी कहा इस तरह से, एक ऐसा कोई गाना अभी आजकल देख रहे हैं कि रीमिक्स बन रहा है पुराने गानों का, आशिकी का जैसे टी सीरीज ने भी बना, एनी प्लान्स टू डू समथिंग लाइक दैट, कि एक बार रिक्रिएट करना हो कोई ऐसे फिल्म को या कोई ऐसे गाने को? या आई एम डूइंग सम रिक्रिएशन, आई हैव डन एक्चुअली फॉर सारेगामा. सो मैं कुछ 10-15 गाने रिक्रिएट कर रहा हूँ. रिक्रिएशंस ना बहुत ध्यान से करनी पड़ती हैं, बिकॉज रिक्रिएशंस में आप जो आर्डेंट फैंस हैं उन गानों के, फॉर एग्जाम्पल सारेगामा हैज़ अ बिग बिग कैटलॉग ऑफ यू नो म्यूज़िक विद देम, जो कि यू नो 50s, 60s, 70s का म्यूज़िक था. तो उनको, एंड बिकॉज आई हैव स्पेंट लाइक अराउंड 8 years इन रेडियो, आई नो कि अगर आप किसी पुराने गाने सुनने, पुराने नहीं बोलूँगा सॉरी रॉन्ग वर्ड, क्लासिक को सुनने वाले ऑडियंस को अगर आप नाराज़ कर देते हैं तो वो आपके चैनल पर नहीं आती दोबारा, यू नो दैट आई हैव नोटिस्ड माई सेल्फ. तो उनको आपने नाराज़ नहीं करना है, प्लस आपने एक यूथफुल अपील लानी है ताकि आज की जो जनरेशन है उन गानों को सुनने लगे. सो वो आई थिंक बहुत सिलेक्टिवली करना पड़ता है. उसके लिए उसको जो गाएं, उस गाने को जो गाएं, वो सिंगर्स को यू नो उन गानों की समझ होनी बहुत ज़रूरी है. हमारे जो अरेंजर्स होते हैं, हमारे जो लिरिक्स तो खैर हम रीराइट नहीं करते हैं, बट जब हम कंपोज भी रिकम्पोज भी करते हैं तो वो चीज़ बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि वो जो ऑडियंस है जिसने इस गाने को प्यार किया है इतने साल, उसको हम नाराज़ ना करें. सो आई थिंक इट्स अ वेरी यू नो सेंसिटिव जोन. एंड जो भी कोई रिक्रिएट कर रहा है, बिकॉज बहुत से रिक्रिएशंस आ रहे हैं, तो उसको वो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑन दैट नोट, फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर सॉन्ग इन योर ओन लिटिल वर्ड्स? यहाँ से स्टार्ट करते हैं. इट्स अबाउट फ्रेंडशिप. सो आई वुड वॉन्ट एवरीबडी कि आप दोस्तों के साथ बैठ के गाना सुने, और जितना आप अपने दोस्त को प्यार करते हैं और जितना अपने दोस्त को प्यार करते हैं उतना प्यार हमारे इस गाने को भी दें. एंड या दैट इज व्हाट आई थिंक. साथ में कुछ पी भी सकते हैं, पानी वगैरह. हाँ, पानी चाय मिक्स करके पीने. चाय, पानी में चाय मिक्स. आई जस्ट गिव लव टू द सॉन्ग. दिस इज अ सॉन्ग अबाउट लव एंड फ्रेंडशिप, दोस्ती. आई थिंक नया साल है और नए साल पे ये गाना रिलीज़ होगा, और नया साल है, अपने जो पुराने दोस्त हैं जिनसे आपकी रंजिशें रही हैं उनको आप मिटाएं, और जो नए दोस्त आप बनाना चाहते हैं, जितने आप दोस्त बनाना चाहते हैं उतना आपके लिए अच्छा फॉर्चून है. सो आई गेस दिस इज अ सॉन्ग दैट इज़ डेडिकेटेड टू द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड. मैं यही कहूँगा कि एक अच्छा दोस्त होने का फ़ायदा यही है कि आपको भी एक अच्छा दोस्त होने का मौका मिलता है, और ये गाना जो है वो वही बात कहने की कोशिश करता है कि कीप सेलिब्रेटिंग. आप मनाते रहिए अपनी दोस्ती को एक जश्न की तरह और अच्छी खूबसूरती के साथ. हैप्पी फ्रेंडशिप ऑल अलोंग द ईयर, एंड आई होप यू लाइक द सॉन्ग. या सुपर गाइस, थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.